सिद्ध होते हैं मनुष्य की आस्था से, उसके विश्वास से। मैं बस इतना जानता हूं चंद्रगुप्त, जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, धनानंद भी नहीं। तो बताइए ना आचार्य, क्या मैं वो कवच प्राप्त कर सकता हूं? ये इतना सरल नहीं है चंद्रगुप्त। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों का एक दल उस कवच को प्राप्त करने के लिए वीर यात्रा पर निकलता है, परंतु उस कवच तक पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम है कि आज तक सब विफल रहे हैं। किंतु ये मत समझना कि ये कार्य असंभव है, तथापि उस कवच को भी प्रतीक्षा है एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष तुम वीर यात्रा पर जाओ और उस अनमोल कवच को प्राप्त करो। आपको मुझ पर इतना विश्वास है इसलिए मैं आपका आभारी हूं जा रही, पर कोई क्यों मुझे इस दल में शामिल होने देगा? मुझे तो युद्ध का कोई ज्ञान नहीं, मैं तो दल के चुनाव के समय ही असफल हो जाऊंगा आचार्य। कवच तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है, यदि यह बल निर्बल ना हो जाए तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी चंद्रगुप्त। मैं प्रयोजन करूंगा तुम्हारे इस वीर यात्रा में सम्मिलित होने का। मैं जानता हूं कि यह वीर यात्रा वरिष्ठ छात्रों के लिए है, किंतु समय की यह मांग है, तुम अपनी आयु को सफलता की सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा आचार्य। इसके लिए तुम्हें एक आदर्श विद्यार्थी बनना होगा चंद्रगुप्त। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त, मुझे वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ आचार्य, मैं सीखूंगा और आपकी दृष्टि में इस गुरुकुल का सबसे आदर्श विद्यार्थी बनूंगा। कसम है मुझे मेरी मां की, उसे मुक्त करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूंगा।